हे दोस्तों, मैं हूँ इंग्लैंड में और इंडिया में जो नहीं कर सकता यहाँ कर सकता हूँ। और आज ऐसे ही एक काम करने वाला हूँ मैं, मतलब आज हिरोन हिरोन जो दियार होता है, हिरोन का मांस खाऊंगा, अभी खरीदने जा रहा हूँ, चलो। और इंग्लैंड में अमीर जीवन, तो एक मर्सिडीज है, एक BMW है, तो कौन से में से जाऊँगा, मेरे चॉइस, तो अभी BMW में जाऊँगा, चलो। BMW अमीर लाइफ है इंग्लैंड का। और ये नीलाक्षी मैम गाड़ी चलाएंगे, लाइसेंस तो है ना आपके पास? लाइसेंस नहीं होने पे आपको गाड़ी टच करने भी नहीं देंगे। ओके, चलाने दूर की बात, टच भी करने नहीं करने देंगे। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर प्राकृतिक नजाराओं का, मतलब बीच से जा रहा हूँ मार्केट, वो कहाँ है मार्केट? नजदीक में ही है, 1 किलोमीटर दूर में। ओके ओके, जहाँ मिलेगा हिरन हिरन। इंडिया में हिरन भी अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे यू कैन बाय, मतलब ये लीगल है। हाँ, लीगल है। और हम उसको मारधार भी कर सकते हैं क्या हिरन का? नहीं। okay. हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कोई कोई जगह है जहाँ पे हिरन का पॉपुलेशन बहुत है, वहाँ पे साइन बोर्ड लगा के रखता है, सो केयरफुल व्हाइल यू आर ड्राइविंग, बिकॉज़ यहाँ पे हिरन ऐसे रास्ता क्रॉस करते हैं। ओके ओके, लेकिन उसका मीट खा सकते हैं? हमारे वहाँ जैसे वो मिल जाता है चिकन मटन वगैरह, यहाँ ऐसे हिरन का मीट मिल जाता है, कितना स्वादिष्ट मीट, जिसके लिए टाइगर तरसते हैं, मतलब जंगलों में वही मीट आज हम लोग खाएंगे, वाओ। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज कोई नहीं सोचना खाने के बारे में हिरन। और इंग्लैंड में स्प्रिंग सीजन चला गया, अभी चल रहा है समर, उसके बाद आएगा ऑटम सीजन एंड उसके बाद आएगा विंटर। विंटर में क्या होगा, ये जितने भी आप पेड़ देख रहे हैं एक भी पत्तियां नहीं रहेंगे, पूरा मतलब वो नेकेड हो जाएंगे। और हिरन के साथ साथ एक नॉलेज की बात भी बता देता हूँ, यहाँ की ड्राइविंग स्टाइल पूरी इंडिया जैसी है, मतलब राइट हैंड ड्राइविंग है। एक्चुअली ब्रिटिश वाले ने जिस जिस देश में डोमिनेट किया था, शासन किया था, आक्रमण किया था, उन सब देशों को कॉमनवेल्थ देश बुलाते हैं, और वहाँ ड्राइविंग स्टाइल ऐसे ही है, मतलब राइट साइड। लेकिन अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में लेफ्ट, यूरोप में लेफ्ट, दुबई में लेफ्ट। तो मतलब तो वो गाड़ी बनाने वाला कंपनी लोगों को बहुत परेशान होता होगा, मतलब एक देश के लिए दूसरा गाड़ी, एक देश के लिए दूसरा गाड़ी। और ये देखो परदेश, यही है परदेश का परिष्कार जीवन, देखो ना कितना साफ सफाई, मतलब आप यहाँ पे बैठ के सो सकते, सब कुछ कर सकते हो। तो आ गया मार्केट, अभी हिरन खाऊंगा, मतलब लेके जाके बना के खाऊंगा। और BMW के पास बड़ा बड़ा बैग है और कितना स्पेस है, देखो ना यहाँ पे 2-3 आदमी सो के जा सकता है, BMW है ना। और इंग्लैंड का अमीरों का कार देखो, ये है फोर्ड का, ये है फॉक्सवैगन का, और यहाँ इलेक्ट्रिक कार का भी मतलब चलन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, टेस्ला वगैरह बहुत चलता है वो देखो। और एक चीज, वो वहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लिक एंड कलेक्ट, मतलब क्या, आप घर में एक ऐप है, उस ऐप में क्लिक करके 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 बास्केट में चीज़ों को मतलब ला सकते हो, उसके बाद यहाँ आओ और कलेक्ट करो, ऐसे क्लिक एंड कलेक्ट, घर में सामान वहाँ पे इकट्ठा करो और यहाँ आके ले जाओ। यहाँ पे आप जितना गाड़ियाँ देखेंगे ज़्यादातर सेडान कार या कार है, हमारे वहाँ की जैसा वो बोलेरो स्कॉर्पियो ऐसे SUV यहाँ कम ही है, मतलब ज़्यादा SUV है नहीं चलाता, क्योंकि रास्ता अच्छा है ना, अच्छे रास्ते के लिए SUV की ज़रूरत नहीं है, ऑफ रोड गाड़ी यहाँ बहुत कम है। लेकिन एक देखा रेंज रोवर, बाप ऑफ ऑल SUV। और यहाँ की शॉपिंग मॉल में ट्रॉली ले जाने के लिए आपको एक पैसा घुसाना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे तभी ये ओपन होगा और जाके लेके क्या यार ये भी मतलब बिना पैसे से नहीं देता। ओ अच्छा अच्छा, वो ये निकल जाएगा, नहीं नहीं फ्री ही है, ये निकल जाएगा, मतलब कोई चोरी करके ना ले जाए इसलिए दिया है। अजीब गरीब सिस्टम भाई। यहाँ एक शॉपिंग मॉल में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, मीटों से लेके कपड़ा वगैरह सब, ये देखो वेजिटेरियन। लेकिन आज मैं वेजिटेरियन की मूड में नहीं हूँ, आज मांस खाऊंगा, हरिन हैरान हैरान। और ये सब देसी वाइन है क्या? देसी मतलब बिलाती है, नहीं मैं हूँ ही बिलात में, तो यहाँ के लिए देसी ही है ना। और फाइनली आ गया मांस की दुकान में, मतलब यहाँ की दुकान हमारे वहाँ जैसा नहीं है कि एक हिरन रखेंगे काट काट के देंगे, ऐसे नहीं होता, मतलब सजा के रखता है यहाँ पे इंग्लैंड है ना। तो यहाँ डिफरेंट जीव जंतुओं का मांस अवेलेबल है, ये है कुछ कीड़ा का, कुछ मटन का, कुछ बीफ का, कुछ ये है लैम का, मतलब वो गोट का, और ये क्या है बे, अबे एक चिकन को अंदर घुसा के रखा है प्लास्टिक बैग में, क्या देख रहा हूँ जिंदगी में, ये एक पूरी की पूरी चिकन को घुसा दिया बैग में, लेके जाओ पूरी के खाओ। पूरी की पूरी चिकन को नंगा किया, उसके बाद
पैकेजिंग से खत्म। लेकिन एक बहुत दुख की बात, यहाँ पे वो हिरन वाला मांस नहीं है, हमें एक दूसरा सुपरमार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ शायद होगा, क्योंकि ये बहुत मतलब रियार है, इतना ज़्यादा नहीं मिलता ना, यहाँ पे भी रियार है सीस मतलब, लेकिन मिलेगा मिलेगा, आप लोगों को जरूर खिलाऊंगा, मैं खाऊंगा, आप लोग टेस्ट लेना। और मैं असम से हूँ और असम में मतलब इंग्लैंड में असम टी देख के बहुत ही प्राउड फील हो रहा है बे, रियली। और गूगल प्ले कार्ड ये पर क्या करता है, 2500 का एक प्ले कार्ड लेके जाओ वहाँ पे कुछ करो, ऐसा बहुत कार्ड यहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ मिलेगा ये हिरन? और एक वॉलमार्ट है ओके, यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन अच्छा चीज खाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। और चीजों को किस हिसाब में हिसाब से रखा जाता है देखो ना, राइस को इतना सजा के रखते हैं और ट्रोली रखने के बाद फिर से वो पैसा वापस आ जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, चीजों को लो और यहाँ पे लाके दो और उसके बाद ये जो सेन है, सेन यहाँ से घुसाने से जो पैसा वो 1 pound दिया था 1 pound वापस आ गया, अजीब गरीब सिस्टम है। तो भगवान और हिरन देवता की कृपा से फिर से एक शॉपिंग मॉल में हम लोग आ गया, शायद यहाँ पे मिल जाएगा। उसका नाम है ASDA, असम सुपर डिम्पू अकादमी। लेकिन दुख परेशान की बात यह भी नहीं मिला, ये कुछ गोद का ही मिमतन है ये, तो फिर से हम लोग एक शॉपिंग मॉल जाना पड़ेगा। लेकिन इस बार शॉपिंग मॉल नहीं आया, कुछ यहाँ आया एक नॉर्मल दुकान में, देखता हूँ गारंटी मिल जाएगा हिरन। तो मीट तो है लेकिन ये सब हिरन नहीं है, इसलिए मछली ही ले लिया, लेकिन मीट लूँगा, हिरन लूँगा ही लूँगा। और ये सब देखो मीट कैसे रखा जाता है यहाँ पे, बांग्लादेश से आया है और पूरी सजा के मतलब पैकेजिंग करके रखते हैं, छोटा 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 मछली, ये देखो ना। और हर जगह प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल, ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन करता है क्या करूँ, हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है देखो ना, हर जगह सब कुछ पैकिंग में है, पैक पैक दुनिया बोल सकते हो इसको। तो बहुत मेहनत किया लेकिन हिरन नहीं मिला, इस बार दादा को लेके आया है, दादा ढूंढ पाएंगे शायद, चलो इस बार तो खरीद के ही रहूंगा। एंड फाइनली मिल गया, ये देखो हिरन और उसका अंदर का मांस, ये रहा हिरन का मांस, ओ माय गॉड। 1 kilo का दाम 3500 rupees, तो 2 pieces का दाम 750 rupees, रुपीस में हिसाब करूँ, और किलो का दाम 3700, ओ माय गॉड। तो हम लोग सिर्फ एक ही लिया क्योंकि सिर्फ मैं खाऊंगा ना, और इसके साथ वो खाने से कैसा मजा, नहीं नहीं इतना मज़ा नहीं आएगा, इसको अकेला खाऊंगा। बहुत एक पेट का मतलब इच्छा था लाइफ में एक हिरन का मांस खाऊं, आज पेट को शांति मिलेगा, लेकिन ये लीगल नहीं है ना हमारे देश में, इसलिए विदेश आके ये खाना पड़ा मुझे। और इस शॉपिंग मॉल तो बहुत सारा है, बहुत सारा असम टी, बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है, दार्जिलिंग टी भी है, असम टी भी है, विदेशी लोग खाते हैं ये सब। चलो अभी जाके मांस खाते हैं, मतलब बनाते हैं बना के खाते हैं, पेट को शांति मतलब वो नहीं हो रहा, वेटिंग नहीं हो रहा है, वेटिंग फॉर हिरन। खा लिया, तो खाने वाला सीन नहीं दिखाया, सॉरी, क्योंकि मतलब ये अच्छा नहीं है ना, मैं खाऊंगा आप लोग देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं मैसेज दे रहा, ये नहीं बता रहा कि आप लोग भी मांस खाओ, जस्ट ऐसा बताया कि मतलब ये दिखाया कि हिरन के मांस यहाँ अवेलेबल है तो खा लिया। इंडिया में ये बिल्कुल मत करना, ये नहीं मिलेगा ना, तो नहीं मिलेगा, अगर कोशिश करोगे तो जेल में जाओगे, तो जिस देश में जो लीगल है वही करो तो ये अच्छा रहेगा। और बाहर बहुत ज़्यादा बरसात हो रहा है देखो, और वो रहा बुर्ज अल अरब का फतीजी, वो बनाया गया है यहाँ पे।